फसीले मत, आपके पास आऊंगा। विचारधारा के स्तर पर देश सर्वोच्च होना चाहिए। सब धर्मों की अपनी अपनी किताबें हैं, सब धर्मों की किताबों का मान है, लेकिन सब धर्मों की किताबें देश की किताब से नीचे आनी चाहिए, यानी संविधान। जब संविधान और किसी धर्म की किताब टकराए तो संविधान को वरीयता होनी चाहिए। इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए फजील अहमद साहब? आपका टाइम शुरू होता है। तो विक्रमादित्य ने कहा अभी इसराइल की महिला उनको दिखाई दी, लेकिन मणिपुर की महिला नहीं दिखाई दी। अपने देश में मणिपुर में नहीं गई ये लोग। और उसके बाद 84 के दंगा में सिखों का नरसंहार मुसलमान ने किया था। किसने किया सिखों का नरसंहार? भागलपुर, मलियाना, मेरठ, ये सारे दंगे किसने किए? किस सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, बेचैन मत होइए, आ रहा हूँ। आपके आपका भी नंबर आएगा, घबराइए मत। जिस तरह से देवरिया में सीरियल चार आदमी एक ही परिवार के मर गए, अभी परसों एक दरोगा को पीट पीट के लोगों ने मार दिया, कागज मांग दिया उसने, बीजेपी के लोग थे, गाड़ी का कागज मांग दिया तो पीट पीट के उसको मार डाला लोग। किसी की हैसियत है पूरे उत्तर प्रदेश में? कोई पुलिस वाला किसी भाजपा नेता से बात नहीं कर सकता, किसी भाजपा कार्यकर्ता से उसका कागज नहीं मांग सकता, उसको जान से मार दिया जा रहा है। किस तरह से, और ये कह रहे कि एनसी की दंगा नहीं हुआ, 300 से अधिक दंगे हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए सरकारी एनसीआरबी का डाटा। उत्तर प्रदेश में किस तरह से लिंचिंग हो जा रही, किस तरह से लोग घुस के घर में, अभी बुलंदशहर के अंदर घर में घुस के बलात्कार एक लड़की का कर दिया गया। कोई न्याय व्यवस्था है वहां? एक एक बीजेपी का झंडा लेकर के आप कोई भी कुकर्म कर सकते, सिर्फ आपका नाम बीजेपी का होना चाहिए। इसी तरह पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं कि मुसलमान मलियाला में दंगा हुआ, कौन किया? 84 में सिखों का नरसंहार कौन किया? गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल बना करके किसने फूका दिल्ली के अंदर? 84 से पहले गोल्डन टेम्पल का एक पुतला बना करके, गोल्डन टेम्पल जैसा एक वो बना करके उसको फूंक दिया इन लोगों ने। कौन थे वो लोग? किस धर्म जाति के लोग थे? किस समाज के लोग थे? देंगे जवाब उसका। जिस तरह से और ये कह रहे कि आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लड़कियों का, कि मेहंदी लगाने वाली लड़कियां मुसलमान ना हो, तो अमरनाथ यात्रा बच जाइए। अमरनाथ यात्रा में 99% मुसलमान होते हैं जो आपको अमरनाथ यात्रा में ले जाते हैं ऊपर तक, वहां पे आपको पीठ पर बैठा के ले जाते हैं मुसलमान, आपकी यात्रा पूरी कराते हैं, वहां भी मत जाइए। पैसा लेते हैं फ्री में नहीं, मंदिर के बाहर। गोरखपुर में, अरे पैसा तो बिना पैसे के कौन काम करता है? आप चुनाव में पैसा नहीं लेते, टिकट नहीं बेचते हैं क्या आप? कौन बिना पैसे का काम कर रहा है? गोरखपुर की मंदिर में जिसके महंत है मुख्यमंत्री जी, उसके अंदर की दुकानें 80% फजील अहमद की आवाज बंद कर दी जाए। फजील अहमद, 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 44 पर शुरू किया तो 47 के आगे चले गए, 3 मिनट हो गए। आप बिल्कुल शांति धारण करना, बीपी मत बढ़ाना, ठंडा पानी पियो, आराम से बैठो। आचार्य जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, पटवारी पटवारी का काम करे तो शोभा पाए क्या? कथा करने वाले पंडित जी कथा कहें तो शोभा पाए? पंडित जी पटवारी का काम करे, पटवारी पंडित का काम करे, ये ठीक नहीं ना। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक धर्म पर कोई भी टिप्पणी करके निकल जाना, वैसे ही दूसरे धर्म के बारे में सवाल भी पूछ दो तो टांगों में कंपन होने लगता है, मुंह सूखने लगता है। अरे ना, अब फजील अहमद की आवाज बंद रखिए, बिल्कुल बंद रखिए। मेरे शो में अनुशासन तो रहना पड़ेगा भाई साहब, ये मलियाना और हाशिमपुरा थोड़ी ना मित्र ना। 3 मिनट आपको अवसर दिया, आप बिल्कुल शांति धारण करनी होगी। आचार्य जी, यही प्रश्न दूसरे धर्म के बारे में उठाया जाए तो माना जाए आप सब धर्मों पर बोलते हैं, नहीं आपकी निगाह केवल वहीं जाके टक जाती कि हिंदू मंदिरों में ऐसा हो रहा है, मस्जिद में है। अभी रोज अखबार में खबर आती है कि मस्जिद में मौलाना साहब ने एक बालक के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, वो नहीं दिखाई दे रहा, मंदिर दिखाई दे रहा है केवल, और मंदिर में ताल ठोक के बोल के फिर वोट भी लेना चाहेंगे। आचार्य जी देखिए, अभी फजील भाई ने और यहाँ पर नेताजी कांग्रेस के बैठे, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली जी। देखिए भैया, हमने तो किसी को मंद नहीं किया, तथा कथित तौर पर दत्तात्रेय गोत्र वाले लोग आप किस धर्म से संबंध रखते हैं मुझे तो आज समझ में नहीं आया। वो मंदिरों में जाते, किसी ने उनका आई कार्ड नहीं पूछा,
और आपने जो एग्जांपल दिया था अमिताभ जी अभी कि मंदिर में तो कोई पूछता नहीं है, सरकारी दफ्तर में पूछते हैं राशन कार्ड कौन सा है और नेम प्लेट भी लगाई जाती है वहां पर कि भाई मैं जिस जात का हूँ। कुंभ में स्नान करने गए हैं कभी फजील साहब या नेताजी गए हैं? पूछा था कौन से गोलगप्पे होंगे? मेरा तो घर ही वही है। जाते हो ना? कोई मना नहीं करता। हज पे जा सकता हूँ मैं हज पे जा सकता हूँ। अरे मैं अभी केवल आचार्य विक्रमादित्य की आवाज बाकी किसी आवाज कर रहा मैं जी केवल मैं हज पे जा सकता हूँ हिंदू होते हुए? आप मुसलमान होते हुए मेरे कुंभ यात्रा में जा सकते हैं, कुंभ में स्नान कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, सत्रह गोत्र का मैंने एग्जांपल दे दिया, मंदिर में किसी ने मना नहीं किया। क्या मैं हिंदू होते हुए सनातनी होते हुए हज यात्रा में जा सकता हूं? मुझे बैन है घुसने के लिए? यहां पे समझ में आनी चाहिए कौन धर्म संभाव की बात करता है और कौन धार्मिक तौर पर। आयतुल्ला खुमैनी याद है? आयतुल्ला खुमैनी अभी जो बोले बयान दिए यहूदियों के साथ संबंध तोड़ दो, यहूदियों की बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। अरे भैया डायबिटीज की दवाई भी यहूदी बना के देते हैं, वैक्सीन भी यहूदी बना के देते हैं, ब्लड ब्लड की जो टेस्ट होते हैं वो भी यहूदी बना के देते हैं। एक एक वैक्सीन एक एक चीज जो मेडिकल लाइन में है वो सारे के सारे यहूदियों के द्वारा मैक्सिमम बनाई गई है। मतलब वहां तो लेके जाके वहां सब चीज बेनिफिट लेंगे, वहां के दिए हुए पैसे पे ऐश करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म जो इनके इस्लाम के तमाम ईसाइयों का विरोध करेंगे, जहां पर काफिर दिखाई दे जाए उसको मार दे। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में ये हाल मचा रखा है, अपनी सत्यता दिखाई नहीं देती और आक्षेप करने के लिए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने अगर इनके खिलाफ बोला तो वो आसमानी किताब के खिलाफ हो जाएगा, सरकलम कर देंगे। यही वास्तविकता है अमिताभ जी। आप ही इनके असले कपड़े खोल सकते हो, आप ही को इनको कपड़े खोल के नंगा करने की, आप जैसे व्यक्ति खोल सकते हैं इनके कपड़े। जी ठीक बात है, समय भी पूरा हो रहा। ओपी सिंह जी, एक भारत में जाति आधारित भेदभाव जितना राजनीति ने पैदा किया, ठीक, और जाति को जितना ग्लोरीफाई राजनीति ने पैदा किया उतना किसी ने नहीं किया। मैं काशी विश्वनाथ वर्षों से जा रहा हूँ, मैं बांके बिहारी जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी जो सारे मंदिर में जहाँ भी मुझे अवसर मिलता मैं जाता हूँ, किसी ने नहीं कहा कि बाबू साइड आओ जरा पहले जात बताओ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन चुंगी की टिकट लेने जाओ तो जात बताओ, एमएलए की टिकट लो तो अध्यक्ष बनो ब्लॉक कमेटी के तो जात, बोले फलाने इस जात के हैं अब इस जात का अध्यक्ष बनाओ, फलाने जात के रह लिए, और ड्रामा हिंदू धर्म पर फोड़ोगे सब लोग। अब दादे बिल्कुल आपने बात सही कही, ये सच है जो आपने कहा सच है, लेकिन कुछ पार्टियों का जन्म जो है वो जातिवाद के राजनीति से ही हुआ। आएगा या एक बार रुक जाओ, ये मत करिए ड्रामा, आएगा। अब उनको अवसर दिया तो उनके अवसर पे आप क्यों बोलेंगे? मेरा नंबर कब आएगा? जब आएगा तो बुलाएंगे। मेरे बाद भी ओपी सिंह ने बोला है। रुक जाइए जी, अभी उसके जी ओपी सिंह। अरे भाई ऐसा नहीं चल पाएगा मेरे साथ, माफ करिए जी। मैंने क्या कहा जी? और महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म को जातियों में बांटने का काम राजनीतिज्ञों ने किया, ये बात बिल्कुल सही कह। ये कोई पार्टी नहीं, वही होगा कि देव असुर हमको आपस उड़ कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल हुआ है। और आज देखिए जाति जनगणना के नाम पर यही हो रहा है कि हिंदुओं को जाति में बांटो, राजनीति करो और ये करो। मेरा ये मानना है अमिताभ जी, जो आपका डिबेट का विषय है, सांप सबसे जहरीला होता है, सांप से जहरीला कोई नहीं होता, लेकिन आज देश के अंदर कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सांप से भी खतरनाक है। ठीक ओपी सिंह जी, आ गया टाइम, टाइम अप, रुकना होगा, रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा। अब अभी आवाज रोक दीजिए। रत्नाकर सिंह, बिहार में जो जातियों का वो आया कागज, जाति की गिनती का जनगणना नहीं है, वो सर्वे है। जनगणना में तो रोक लग जाएगी, जनगणना में तो मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा सरकार कर सकती है। इसलिए मैंने इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गिनती हुई जातियों की, ठीक ना। उसमें ऐसी ऐसी जात आई जो अच्छे अच्छों को नहीं पता थी कि ये जातियां भी हैं। क्या जाति को अनावृत और उघाड़ कौन रहा है? ऐसी ऐसी जातियां उपजातियां उसमें नेम्ड है जो बड़े बड़े खांटी जातिवादी नहीं जानते थे आज तक, क्या? और आप बता रहे हो कि हिंदू धर्म ने मंदिरों में बवाल कर रखा है,
गजब भाई जी। अमिताभ जी देखिए, सरकार जो नीतियां बनाती है, नीतिगत फैसले लेती है कि जाति को कितना सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना फंड मिलना चाहिए, ये सारी तो जातियों के जब पता रहेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है तभी तो नीति निर्धारण करती है। अगर जातीय जनगणना की मांग कर रहा है कांग्रेस पार्टी तो इसमें गलत क्या है? हम तो सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, हम तो समानता की बात कर रहे हैं। जो जातियां छूट गई हैं उनको न्याय मिले, उनको सरकारी सुविधाएं मिले, ये हमारी मांग है। तो ये बुरा कहां पे है, किस तरह से बुरा है, ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी चीज, धर्माचार्य जी पूछ रहे थे कि मैं कभी महाकुंभ में नहाया हूं कि नहीं और हमारे ऊपर आरोप करते। मैं धर्माचार्य जी काशी में पैदा हुआ हूं और रघुकुल वंशी हूं और शुद्ध शाकाहारी और बिना पूजा किए मैं खाना तक नहीं खाता, ठीक है, और रुद्राक्ष की माला भी पहनता हूं, ठीक बिल्कुल, और आपसे ज्यादा सनातन को मैं मानता हूं और महाकुंभ ही नहीं वही नहीं नहाया हूं, देश के तमाम ज्योतिर्लिंग शिव का भक्त हूं, देश के तमाम ज्योतिर्लिंगों में मैं जाके इसी उम्र में और पूजा पाठ करके आ चुका, तो आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं, वो आप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं दूसरे को कि हाँ ये नहीं है, ठीक, लेकिन सच्चाई जाने बिना वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी अभी सिंह जी दोनों राजनीतिक लोग रोक देंगे, दोनों को रोक दीजिए, दोनों का समय पूरा हो गया। फजील अहमद, दुनिया के बाकी देशों में भी एक शर्त ऐसी होती जिसमें कोई रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं हो सकता, वो शर्त है देश सर्वोपरि, ठीक, देश के ऊपर कोई नहीं, न जात है, न धर्म है, न मजहब है, न कोई किताब है, न कोई कापी है, इस सिद्धांत से तो कोई एतराज नहीं ना। देखिए अमिताभ जी, सब देशों का अपना अपना संविधान है, हमारे देश का भी संविधान है, हम संविधान के आधार पर बात करते हैं और संविधान से देश चले यही चाहते हैं और हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी लोग यही चाहते होंगे। तो मैं ये अभी बीजेपी के लोग देवरिया की बात नहीं बताए, दो बार हमने पूछा कि देवरिया में क्या हुआ, जातीय सर्वे से इतनी तकलीफ है कि जात में बांटा जा रहा है, एक एक समाज ऐसा है राजभर समाज, कुम्हार समाज, चौहान समाज, जो बेचारा आज भी ठेलिया चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके तकदीर में लिखा है कि उसके घर में बच्चा पैदा होगा तो मजदूरी ही करेगा, तो ऐसे समाज को मुख्य धारा में जो छूट गए, जो पिछड़ गए, क्या उनको लाने के लिए कोई भी सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो देश के बाहर का है कि देश के अंदर का है? तो बार बार जब जाति सर्वे की बात आती है तो दुनिया की बात की जाती है, दूसरे देशों की बात की जाती है, अमेरिका में फ्री इलाज होता है, ठीक बात, आगे बात, ठीक आगे आगे अब्बल तो ठीक है, अब आगे बात, आगे आगे अच्छी बात कही अब्बल, तो संविधान हमारे यहाँ बहुत कॉमन कर दिया गया, संविधान में बहुत सारी बातें नहीं लिखी, जो भी हम संविधान के नाम पर उनका भी बिल फाड़ देते हैं, ठीक है ना, खैर वो अलग विषय है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। जाति की बात, जाति को देखकर मंदिरों में प्रवेश मिलता है, ये दुष्प्रचार किसने फैलाया? एक विक्रमादित्य जी आपसे सवाल, और दूसरा मसला ये कि भारत में दो वर्ग रखे हमने संविधान को, बड़ा अभी दोहराया जा रहा बार बार, हर वाक्य में संविधान आया है, रत्नाकर भाई के भी, फजील भाई के भी, इसलिए मैं संविधान के हवाला देता हूं। संविधान दो बातें हमने मानी, आदि एससी और एसटी, इनके अलावा भारत की सरकार जाति आधारित फैसले नहीं कर सकती। विक्रमादित्य जी बिल्कुल, ये कैसे संभव है भाई? और ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने जाति आधारित सर्वे कराया लेकिन उसके आंकड़े नहीं दिए, 2-3 हजार करोड़ रुपया खराब कर दिया, आंकड़े नहीं दिए। अब वो बड़े भारी वो कह रहे हैं कि ना जी अब जात नहीं बताओगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का मैं एक वीडियो देख रहा था, अब पता नहीं राहुल गांधी इंदिरा गांधी ज्यादा समझदार हो गए, जिसमें इंदिरा गांधी कहती है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर मुझसे पूछो तो क्या है मालूम है, फिर वो खुद जवाब देती है, मैं बताती हूं, वो है जात, जात को छोड़ना होगा। विक्रमादित्य जी देखिए, रत्नाकर जी जब रत्नाकर थे तब क्या थे, और जब वाल्मीकि बने तो हमने उनको सर्व पूज्य मान लिया, ब्रह्म ऋषि मान लिया,
कबीर को आज भी हम दुहाई देते हैं। इस देश में जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था थी, जाति प्रथा कभी थी नहीं भाई। डिवाइड एंड रूल जब से आया इस देश के अंदर, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज जब से नेता बने उन्होंने इस देश को विभाजित करके इस देश का जो इतिहास लिखा, इस देश के जो इतिहास को पढ़ाया गया उसके अंदर हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास था। इनको पता था। मैं कहूंगा अमिताभ जी, एक बहुत सुंदर बात थी, कांग्रेस को पता था कि इस देश में वो राज करेगी मुसलमानों के बल पर, इसीलिए उन्होंने 10 करोड़ मुसलमान इस देश में रोके। और उसके बाद इस देश में विभाजन की राजनीति जो खेल चला, लगातार चला, लोगों को अज्ञानता रखा गया, लोगों को उनके इतिहास पढ़ने से रोका गया, लोगों को भारतीय संस्कृति को पढ़ने से रोका गया, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर इंप्लीमेंट कर दी गई कि मुसलमान अपने कुरान को पढ़ा सकता है, ईसाई अपने बाइबल को पढ़ा सकता है, लेकिन हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। यहां से वो गलती हुई कि इस देश में हिंदू धर्म को पढ़ाया नहीं गया। और आज हम पे बैठे हुए जो लोग हैं आक्षेप करते हैं, हमारे बच्चे हमारे लोग जो पढ़ के आए थे उसका जवाब नहीं देते हैं, हंसके रह जाते, अच्छा शायद ऐसे लिखा। यहां से वो फूट पड़ी कि हिंदू धर्म के अंदर ये है, हिंदू धर्म के अंदर ये है, पढ़ा किसने नहीं। अभी जो दुहाई दे रहे थे कि मैं यहां भी जाता हूं, यहां भी जाता हूं, इस मंदिर में भी हुआ है, इस मंदिर में भी हुआ है, अगर इस मंदिर में हो आए थे, कुंभ में स्नान कराए थे, तो आपको कहीं राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, जैसा अभी हमारे अग्निहोत्री जी ने कहा था, कहीं दिखाने की जरूरत। ठीक बात आचार्य जी, ठीक ठीक।